नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हूँ। दोस्तों, जब हम मन के विज्ञान की बात करते हैं तो हम मन के उन सारे भावों की भी बात करते हैं जो हमें मनुष्य बनाते हैं। दोस्तों, इन भावों में सबसे प्रमुख जो है वो है प्रेम। जैसे ही हम इस धरती पर आए, हमने जन्म लिया, वैसे ही हमारी माता ने हमें अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। वो जो प्रेम का भाव था, उसमें हम इस पूरे संसार में सुरक्षित महसूस करने लगे और ये सुरक्षा का भाव हमें आगे बढ़ने में, पलकर बड़े होने में मदद करने लगा। धीरे धीरे माँ की गोद से निकलकर हम घुटनों के बल चलने लगे, फिर अपने पैरों पर डगमगा कर चले, फिर हम अपनी तुतलाती बोली में बोलने लगे और फिर धीरे 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 हम इतने बड़े हो गए कि हम ये कहने लगे कि ये मेरा जीवन है, मेरा चयन है, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या पढ़ूं, क्या खेलूं, मुझे पता है। जब माँ हमसे कहती या पिताजी कहते, तुमने अपना स्कूल का काम कर लिया, तो कहते हाँ हाँ कर लूँगा, अच्छा अब मोबाइल रख दो, अब तुम्हें खेलने का समय हो रहा है, हाँ हाँ अभी रख दूंगा ना। हम अपने माता पिता को ये बताने लगे कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे समझ आ गई है और मैं अपनी समझदारी से काम लूंगा। बच्चों, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, आप वाकई में बड़े हो गए हैं, आपकी समझ वाकई में विकसित हो गई है, आप बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं और माता पिता भी यही तो चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हमारी जो मूवी इस विषय पर बनी है उसका नाम है द रियल गॉड, माने हमारे अपने माता पिता हमारे सच्चे भगवान जैसे हैं, अगर हम माने तो, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाला पोसा, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। पर एक बात बताइए, क्या हम उनके कहने से उनका आदर करेंगे? क्या ये जो प्रेम की कड़ी उनके और हमारे बीच में है, ये जो स्नेह है, ये कहने का मोहताज है या ये हमारे अंदर से आने वाला भाव है? कभी कभी माता पिता, शिक्षकों, अपने आसपास के लोगों के बीच और हमारे बीच कुछ तनाव आने लगता है, मन मुटाव आने लगता है और हमें लगता है कि ये हमारी स्वतंत्रता को छेड़ रहे हैं, छीन रहे हैं और मुझे अपने हिसाब से जीवन नहीं जीने दे रहे हैं। पर उनका तात्पर्य ये कतई नहीं होता है। ऐसे में हमारे माता पिता हो सकता है हमसे थोड़े से दुखी हो जाएं या खिन्न हो जाएं, पर फिर भी अपनी तरफ से वो हमें प्रेम और स्नेह देते रहते हैं, उनका मन हमारे लिए आशीर्वाद से भरा होता है। तो फिर ये तनाव आता ही क्यों है? दोस्तों, बड़े होते होते माता पिता को भी ये ज्ञान धीरे धीरे होता है कि हमारी अपनी भी एक सोच है और इस सोच का जब वो सम्मान करेंगे, जब वो हमारे साथ बैठकर हमारी बात सुनेंगे, तभी सम्मान का, आदर का आदान प्रदान हो सकता है। ये दो तरफा रास्ता है, इसमें सिर्फ कहने भर से सम्मान नहीं अर्जित किया जा सकता। तो ये एक नाजुक मोड़ हमारे जीवन में आता है, पर जब हमें समझा जाता है, सुना जाता है, हमारे साथ बैठा जाता है, तो हम इस मोड़ को सहर्ष सफलता से पार भी कर लेते हैं
और माता पिता के साथ, शिक्षकों के साथ और बड़े लोगों के साथ हमारे रिश्ते वैसे ही मधुर बने रहते हैं। इस हफ्ते इसी स्नेह और आदर के ऊपर हम और भी बहुत चर्चा करेंगे। आप मूवी देखेंगे, उसके साथ दिए गए टास्क को कंप्लीट करेंगे, और जब आप ये सब कर रहे होंगे तो आपके अंदर से जो भाव उत्पन्न होंगे उनको हमसे जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।